सो व्हाट्स अप गाइस, आप लोग कैसे होंगे? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप लोग कुछ इस टाइप के फ़ोटो एडिटिंग तो इंस्टाग्राम में देख ही रहे होंगे। तो मैं इस टाइप से फ़ोटो एडिटिंग करने वाला हूँ जो कि आप थंब लाइन देख के समझ ही गए होंगे। तो आपको ऐड फोटो में जाना है और अपने मॉडल को सिलेक्ट कर लेना है और बैकग्राउंड बिल्कुल इरेज कर लेना है। अगर बैकग्राउंड इरेज नहीं करने आता तो देखो मैं इरेज किया हूँ, तो इस फोटो रूम का नाम नज़र आ रहा है। तो आपको ये जाना है, डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और बिल्कुल ये बढ़िया से इरेज कर देता है बैकग्राउंड। ठीक है गाइस, तो अपने फ़ोटो को इस टाइप से लगा लेना है। देखिए मैं जैसे लगा लिया, और इरेजर पे जाएंगे और इसे इरेज कर लेना है। और इतना कर लेने के बाद गाइस, आपको फिर से इसे राइट क्लिक कर लेना है और आ जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में आ जाने के बाद एक ग्रास वाली पीएनजी ले लेना है गाइस, और इसे ऐड कर लेना है। और इसे ऐड कर लेने के बाद इस टाइप से कुछ अच्छे से एडजस्ट कर लेना है गाइस। ठीक है, और इससे इतना कर लेने के बाद कुछ इस टाइप से लंबा कर लेना इसे, और ये कट गया। तो यहाँ इतना कर लेने के बाद गाइस, आप लोग इसका ओपेसिटी थोड़ा सा कम बेसी कर लेना, बिल्कुल इस टाइप से कुछ। तो इतना ठीक लग रहा है, और इतना ठीक लग रहा है तो इस फोटो को आप राइट क्लिक कर लेना है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो हमारा बनकर तैयार हो गया गाइस। ठीक है, अब हम ऐड फोटो में जाएंगे। ऐड फोटो में नहीं, इस वाले उस टूल्स पर जाएंगे और इस फोटो को रिसाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे डाल लेते हैं 99 और डन करते हैं। अभी ये खुद बता देगा 27 एंड 45। तो इसे एडजस्ट कर लेना है 27 45। ओके डन, और यहाँ सेट कर लेना, और ये फ़ोटो हमारा SDR में हो गया। तो आप इसे सेव करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ड्रॉ टूल पे। जाने के बाद आप 3 डॉट पे जाएंगे, सेव कर लेंगे फोटो को, और अपने फ़ोन का लाइट रूम ओपन कर लेना गाइस। और इसे ओपन कर लेने के बाद आपको ऐड फोटो में जाना होगा, और उसी फ़ोटो को जिस फोटो को एडिट किए उसे ऐड कर लेना है। जैसे ऐड करेंगे आपका फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। सो आ जाने के बाद गाइस, आपको इस वाले ऑप्शन पे आना है। इस वाले ऑप्शन पे आके आएंगे तो लाइट बढ़ जाएगा इससे, तो आप पहले इस वाले ऑप्शन पे आएंगे। इस लाइट वाले ऑप्शन पे आएंगे, इसका एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर लेना, और क्वालिटी कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। ठीक है, और हाईलाइट को भी थोड़ा सा बढ़ाना है, शेडो थोड़ा सा कम कर लो, और वाइट को बढ़ा लेना है, और ब्रश को भी बढ़ा लेना है, इतना बढ़ा लेना। ठीक है, और आप जाएंगे मिक्स पे जाके टेम्परेचर को आप जिस कलर में करना चाहेंगे उस कलर में हो जाएगा। तो हम इसे यहीं पर रहने देते हैं। अब चलते हैं मिक्स पे जाने के बाद ये स्क्रीन वाला है,
तो आपको इसको बढ़ा लेना है, इसको बढ़ा लेना है, और इसको बढ़ा के देख ही सकते हैं, जिस तरफ आपको अच्छा लगे उस तरफ कर लेना है, ठीक है। तो इतना ठीक है। अब इस वाले ऑप्शन पे आएंगे, रेड कलर वाले पे, तो ह्यू को थोड़ा सा इस तरफ बढ़ा लेना और इस सैचुरेशन को बढ़ा लेना, और लिमलेस को इस भी बढ़ा लेना, और आप चले जाना येलो टून पे। तो येलो टून का थोड़ा सा इधर कर लेना और इधर, बस यहाँ से डन कर लेना, और जाना इस वाले ऑप्शन पे टेक्स्ट, इसको भी थोड़ा सा इधर कर लेना, और क्वालिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना, 32 कर लेना, और वीडियोस को थोड़ा सा ऐसे टच कर लेना, बस थोड़ा सा ही टच कर लेना, और ग्रीन को थोड़ा सा, और इतना कर लेने के बाद आप इस ऑप्शन पे आएंगे, इस सैपलिंग को थोड़ा सा बढ़ाना है, और इसको 100 कर लेना है, और इसको हल्का सा बढ़ाना है, इसको भी हल्का सा, इसको भी हल्का सा, और कलर्स को भी थोड़ा सा, और लास्ट में इस मोथिंग लिखा है तो इसे फुल्ली 100 कर लेना, और इस ऑप्शन पे आके इसे कर लेना। तो इसे कर लेने के बाद गाइस आपके आँखों में चमक आ जाएंगे। तो आपको सेव करने के लिए फ़ोटो या शेयर वाले एक्शन आइकन पर जाना है और सेव कर लेना। सो गाइस, मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट करके एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मेरा फ़ोटो डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा देर सेव हो जाता है फिर।